Welcome to Physics Open House. You are listening to Mahavir Singh. Today we will derive formula for velocity of electron in different orbits. We are discussing BOHR model of hydrogen atom. So let us start the velocity of electron in different orbits. Because MBR is equal to NH upon 2 pi, where B is equal to NH upon 2 pi M into R. R का नाम मैं Rn लिख रहा हूँ और Rn हम भी हम ड्राइव Rn radius of NH orbit is equal to N square H square upon 4 pi square M E square K. This we have derived for hydrogen atom. Z is equal to 1. Putting the value of radius, velocity is equal to NH upon 2 pi m. Rn की वैल्यू लगा रहे हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर इंटू के. दिस इज द वेलोसिटी. थ्री से मल्टीप्लाई कर लो, थ्री से डिवाइड कर लो. एन एच 4 pi square m e square k into c upon 2 pi. C से मल्टीप्लाई किया, C से डिवाइड किया. m n square h square n को कट कर दो और इस तरह लिख लो C upon M C को अंदर 2 pi M N जहां कर दिया हमने H स्क्वायर C H 4 pi स्क्वायर M E स्क्वायर K. K 1 upon 4 pi epsilon naught. ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटीज हैं इनको सिंप्लीफाई कर लो और पुट इन द वैल्यू. B इज इक्वल टू ये जो ब्रैकेट में है इसको फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट कहते हैं. फाइन स्ट्रक्चर constant. After solving it will be 1 upon 137. So velocity for nth orbit B is equal to 1 upon 137 multiplied by C upon N. If N is equal to 1, ground state velocity will be equal to C upon 137.
जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है इसको यू कैन राइट बी एन फॉर एन एथ एन इज इक्वल टू वन देयरफॉर सी इज बी इज इक्वल टू सी अपॉन 137 सी इज द स्पीड ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्पीड ऑफ लाइट की 1/137 होती है. बाकी के लिए अगर n इक्वल टू 2 लगाते हैं सेकंड ऑर्बिट के लिए तो वेलोसिटी इसको v1 कर लेते हैं तो v2 इक्वल टू c/137 इंटू 1/n means 2 half हो गई इसकी. v3 similarly n is equal to 3 therefore velocity third orbit में c/137 multiplied by 1/3 और पूछा जाता है एंड सो ऑन. अगर रेशियो पूछा जाता है तो b1 रेशियो b2 रेशियो b3 एंड सो ऑन इक्वल टू 1:1/2 1:3 एंड सो ऑन. स्पीड जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी स्पीड 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन कम होती चली जाती है. दिस इज द डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट. फायर स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट को अलग से कर सकते हैं आप. हमने लिखा था फायर स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट ये लिखा है एच इंटू 4π² एम ई स्क्वायर के डिवाइडेड बाय 2π एम एच स्क्वायर सी. एच से एच एक कट कर लो एम से एम कर लो 2π से 4π कर लो जो बचा 2π स्क्वायर के अपॉन एच इंटू सी इक्वल वैल्यू 1.6×10⁻¹⁹ एक की वैल्यू 1/4π∬ₙ 9×10⁹ एच की वैल्यू 6.62×10⁻¹¹ जूल इंटू सेकेंड और सी की वैल्यू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. इनकी वैल्यू आप पुट करने के बाद आंसर आपका 1/137 के नियर अबाउट आएगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट. अलग से पूछी जाए तो आप ये निकाल सकते हैं और बाकी वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन. रेशियो पूछा जाए तो रेशियो हो गया 1:1/2 रेशियो
बनवाल सिर्फ एंड सो ऑन। कल हमने करा था टोटल एनर्जी माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, एन की वैल्यू लगाई थी एन यू कर लू वन, तो एनर्जी पहले ऑर्बिट में वन लाएंगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन यू कर लू टू पुट किया तो एनर्जी माइनस 3.4, फोर से डिवाइड किया एन यू कर लू 3 किया तो एनर्जी 9 से डिवाइड किया माइनस 1.51, एन यू कर लू 4 एनर्जी 4 16 से डिवाइड किया आंसर 0.87। एक और लिख सकते हैं एन इक्वल टू 5 एनर्जी 5 इज इक्वल टू माइनस 0.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन, और एन इज इक्वल टू इनफिनिटी एनर्जी ई एट इनफिनिटी इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए हम वी कैन ड्रॉ दी ग्राफ स्पेक्ट्रल लाइंस को शो करने के लिए सीरीज हमने बताई थी आपको, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई, एल का मतलब लाइमन सीरीज, बी का मतलब बालमर, पी पाश्चन, बी ब्रैकेट, पी पिफंड, एन एच हम्फ्री। ये आपकी सीरीज स्पेक्ट्रल लाइंस शो करते हैं डायग्राम में, ये सबसे नीचे ग्राउंड स्टेट एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दूसरी माइनस 3.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंड सो ऑन। लास्ट एन इज इक्वल टू इनफिनिटी वाला 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and these are the spectral lines three or four lines you can draw ye aapka pehla number ho gaya lineman series ki spectral line सेकेंड नंबर हो गया बालमर, ये थर्ड
Awesome. What? And so on. Bracket series. And so on. Passion. Refund. इस तरह से आप सो कर सकते हैं and so on. This is the draw, geometrical draw of the spectral lines, the lineman, the Balmer, Parson and so on. और हमने एनर्जी जो किया था डेरिवेशन किया था एनर्जी का और आंसर आपका आया था एनर्जी इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन ई स्क्वायर अपॉन टू आर आर की वैल्यू यहाँ पर लगा दो n is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught e square divided by 2 into n square h square ऊपर चला जाएगा 4 pi square m e square k. ये आ रहा है उनकी वैल्यू अपने यहाँ पर पुट की थी इफ दिस डेरिवेशन वी हैव ऑलरेडी डन तो ये एन इज इक्वल टू माइनस ए बी के है ए के यहाँ पर है तो आपका आंसर में आ गया सबको इकट्ठा कर दो माइनस के स्क्वायर ई फोर हो गया 4 pi square 2 कट कर लो 2 pi square m e square और e square e 4 हो गया k और k मिलके k square हो गया 2 pi square हो गया m हो गया नीचे आपका बचा है h square और इसको अलग कर दो अब ई वन इंटू करेंगे ई वन माइनस के स्क्वायर ई फोर टू पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इसका नाम रख दिया हमने वन अपॉन एन वन स्क्वायर अब टू करेंगे एम टू एन इक्वल टू वन ई एन वन ई एन टू कर लो इसका नाम माइनस के स्क्वायर ई फोर टू पाई स्क्वायर एन अपॉन एच स्क्वायर वन अपॉन एन टू स्क्वायर इनको माइनस कर दो देयरफॉर ई टू माइनस ई वन इक्वल टू ये नेगेटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव बन के हो जाएगा ये नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव तो आंसर हो जाएगा आपका के स्क्वायर ई फोर टू पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर
यहां से आ गए E1 E2 को H न्यू लिख लो, यू कर जो ये पूरा न्यू भी है बस ये पर लैम्डा यू कर जो दिस होल देयरफॉर वन अपॉन लैम्डा यहां पर वैल्यू लगा देंगे के स्क्वायर E4 टू पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और इसे डिवाइड कर दिया हमने एससी से एच की 3 इंटू सी और आंसर आएगा 1/n1² माइनस 1/n2² और इसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट इसको ऐसे ले सकते हैं 1/λ यू कर जो नंबर ऑफ वेव्स यू कर जो आर 1/n1² 1/n2² वेयर आर यू कर जो वर्ग कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू अलग से पूछी जा सकती है। कैलकुलेट रेट वर्ग कॉन्स्टेंट इसका आप आंसर याद कर सकते हैं। पहले फॉर्मूला ले देता हूँ आर और हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू एम ए स्क्वायर E4 अपॉन 4π CH का क्यूब M स्क्वायर E4 4π CH का क्यूब और ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट करने के बाद K की वैल्यू आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं, मास जानते हैं, स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट भी जानते हैं। सबकी वैल्यू पुट करने के बाद 1.09677 × 10⁻⁷ पर मीटर। ये अलग से याद करेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर E4 4π CH की 3 और इसकी वैल्यू आपकी इतनी कैलकुलेट करने के बाद आएगी। ये रिडबर्ग कांस्टेंट अलग से पूछा जा सकता है और हाइड्रोजन एटम जेड इज इक्वल टू 1 वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब इसी में से आर एच की वैल्यू ये हो गई, इसको याद कर लीजिए। अब आप अलग अलग सीरीज के लिए और लाइमन सीरीज N1 इक्वल टू 1 और N2 इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन 2, 3, 4 एंड सो ऑन 1/λ इक्वल टू 1/1² माइनस 1/n2² इसको वेयर N2 इक्वल टू दिस। लाइमन सीरीज में भी अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस होती है। पहली आपकी आएगी फर्स्ट लाइमन 1/λ यू का टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/1² माइनस 1/2² सेकंड वाली आएगी वेवलेंथ 1/λ 1 × 2 रिडबर्ग कांस्टेंट वही रहेगा 1/1² भी यही रहेगा माइनस 1/3²
and so on. हर एक लामन में भी कई स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं. ये क्वेश्चन पूछा गया था तो यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एन टू, पहले दो लेंगे फिर तीन लेंगे फिर चार लेंगे, पहले वाला वन ही रहेगा और डिफरेंट आपको लाइंस मिलेंगी. अब आपका नंबर टू, बाल्मर सीरीज, सबके लिए देखेंगे इसके लिए वन अपॉन लैम्डा, ये तो ये रहेगा, ये हो गया वन अपॉन वन डिवाइड बाय टू हो गया माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर. एन टू की वैल्यू थ्री से शुरू करेंगे, थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन. वन पहली पहली अगर आपको निकालनी है तो वन अपॉन लैम्डा बाल्मर के अंदर, तो वन अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर, वन अपॉन टू तो टू ही रहेगा, आगे बदलते रहेंगे थ्री का स्क्वायर. दूसरी निकालनी है इसकी वन अपॉन लैम्डा टू इक्वल टू आर, ये तो ये रहेगा टू की टू माइनस वन अपॉन थ्री की अगर फोर हो जा रहा है सो ऑन. पहली जो लाइमन सीरीज थी इनकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी या वेवलेंथ आएगी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगी, ये विजिबल रीजन में आएगी विजिबल. बाकी सब ये सब इंफ्रारेड में आएगी. इंफ्रारेड रीजन पहली फ्रीक्वेंसी पहली वेवलेंथ जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन की होगी, बाल्मर वाली जो है विजिबल रीजन में होगी और बाकी पास्टन ब्रैकेट पिफन अम्प्री ये सब इंफ्रारेड रीजन के अंदर आंसर आएंगे. इनके ये बाल्मर का हो गया, ऐसे एनटीसी के लिए भी कर सकते हैं. और एक में फिर स्पेक्ट्रल लाइंस होती है ना, उन्हीं को पूछा जाता. तीसरा आपका हो गया पास, ये पास वाला ले लेते हैं वन अपॉन लैम्डा इक्वल टू विडवर कॉन्स्टेंट वन अपॉन, पहले वन लिया था फिर टू लिया था, इसके लिए वन इसके लिए टू इसके लिए थ्री. अब आपका आ गया थ्री का स्क्वायर, बाकी वही लिखेंगे एन टू का स्क्वायर. एम टू की वैल्यू जो है फोर से शुरू होगी, फोर फाइव एंड सो ऑन. इसी तरह से ब्रैकेट सीरीज को ले लेते हैं, ब्रैकेट इसके लिए वन अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर वही रहेगा, ये वन अपॉन फोर से शुरू होगा. एम टू, एम टू की वैल्यू फाइव सिक्स सेवन. इसी तरह से सबका आप कर सकते हैं. ये आपके हो गए तमाम स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में, उनकी वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, स्पेक्ट्रल लाइन. एक में भी अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसमें भी आपको वेवलेंथ निकाल सकते हैं. बोहर रेडियस बता दिया आपको, वेलोसिटी रेडियस के रेशियो बता दिए, वन रेशियो फोर रेशियो नाइन एंड सो ऑन. रेडियस बढ़ता चला जाता है और स्पीड बता दी, वेलोसिटी घटती आती है, वन रेशियो वन बाई टू रेशियो वन बाई थ्री एंड सो ऑन. और फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट क्या है और उसका डेरिवेशन आंसर वन अपॉन वन थर्टी सेवन. रिडबर्ग कॉन्स्टेंट क्या है उसका डेरिवेशन फॉर्मूला और उसकी वैल्यू हमने आपको बता दी 1.09677 × 10⁻⁷ मीटर. आज का काम यहीं तक रहेगा. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.